हेलो एवरीवन, हम जो आज न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं वो 20 मई मतलब कल की जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आए थे उसको डिस्कस करेंगे। पहला जो न्यूज़ है वो है केरल, केरल से रिलेटेड है। ये कहते हैं कि केरल के सफलता की कहानी पर केंद्र का ध्यान क्यों नहीं है। ये आर्टिकल है जो लिखा है वह शशि थरूर, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और सांसद भी रहे हैं। ये कहते हैं कि विकेंद्रीकरण, पारदर्शिता, समतावाद और जवाबदेही की परंपरा से केरल कोरोना की लड़ाई से सबसे आगे है। देश में लगभग 1.3 अरब लोग रहते हैं जो कोविड-19 महामारी से संघर्ष कर रहे हैं। देश के 28 में से एक ऐसा राज्य है केरल जो कि सबसे ऊपर है। केरल के जो कोरोना वायरस से संक्रमण जिस तरह से वो लड़ रहा है उसको केरल मॉडल हम कहते हैं। और केरल ऐसा पहला राज्य है जिसे जर्मनी के अंत में ही चीन के वुहान से लौटे हुए एक मेडिकल जो कोविड-19 से संक्रमित होने वाली जो एक मरीज था उसकी जानकारी दी थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मार्च के देशव्यापी जो लॉकडाउन हुआ था उनकी घोषणा की थी, केरल में किसी भी अन्य प्रदेश की तुलना में कोरोना वायरस के सर्वाधिक मामले थे। आज यहाँ कोविड के मामले बहुत नीचे हैं। अगर देखा जाए तो केरला में मैक्सिमम केस तो थे ही, जब जैसे ही जो वुहान से पता चला कि वहाँ पर कोई एक मरीज है जो पॉजिटिव पाया गया, तो अभी जो सब सर्वाधिक जो डेथ रेट है अगर हम देखा जाए सबसे ज़्यादा कमी जहाँ पर आई है तो 0.53% की कमी केरला में आई है। अब मैं इसका समरी बता देती हूँ कि मेन जो केरला का मॉडल इतना एक्टिवली काम क्यों किया, कारण ये था कि उन्होंने सबसे ज़्यादा क्या किया, व्यापक पैमाने पर जांच जो है स्टार्ट कर दी। जल्द से जल्द जो डायग्नोसिस है वो चालू हो गया मरीजों का, और ये प्राथमिकता देने के कारण ही संक्रमितों का जल्द से जल्दी पता होने लगा। और जो संक्रमित लोग हैं वो ज़्यादा लोगों के संक्रमण जो संपर्क है उसमें नहीं आए, और उसके कारण से ही जो 28 दिन के क्वारंटीन में उनको रखने के बाद में बहुत जल्दी केरला में जो मरीज थे उनको ट्रीटमेंट हो पाया और जो संक्रमण है वो ज़्यादा फैलने से हम रोक पाए। 18 जनवरी को जैसे ही प्रारंभिक अलर्ट जैसे ही जारी हुआ ना, तो वहाँ के जो 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे वहाँ से जितने भी बाहर से आने वाली फ्लाइट्स थे उनकी स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई, और जो भी संदिग्ध थे उनको जो है क्वारंटाइन में भेजा गया। 4 फरवरी को केरल ने जो कोविड को राज्य स्तरीय आपदा घोषित कर दिया था और स्कूल भी बंद कर दिए गए थे, लोगों को जमा होने से रोका गया था। मार्च जैसे ही शुरू हुआ लॉकडाउन लागू कर दिया गया। केंद्र सरकार अपनी जो कोविड-19 को फाइट करने के लिए जो भी प्रैक्टिस शुरू करती है उससे पहले ही केरला में 30,000 से ज़्यादा जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको तैनात कर दिया जा चुका था। पहले ही हजारों लोगों को क्वारंटीन किया जा चुका था। कोविड-19 पे केरल ने जो प्रतिक्रिया दिखाई है उसकी वजह बहुत संभव हुई है कि जो संकट उनके सामने आया था वो बहुत पहले ही स्टेप्स लेना उन्होंने शुरू कर दिया था। सारे देश के जो अनेक राज्य हैं उनमें केरल एक अनूठा अनूठा है। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा होता है, और स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर है, या स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स है और बाकी सुविधाएं हैं उसमें भी उन्नत कार्य हैं। यहाँ पर पर्याप्त संसाधन आवंटित ऑलरेडी किए जा चुके हैं। गांव स्तर की जो संस्थाएं हैं उनको भी फंडिंग और अधिकार दिए गए, और ऐसे ही सामाजिक तंत्र है वो विकसित किया गया जो सामूहिक और जन सहयोग की प्राथमिकता देता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो केरला है उसका साक्षरता दर या लिटरेसी रेट है मैक्सिमम है 94% है। इसके अलावा केरला में जो बर्थ रेट है वो कम है, और मैक्सिमम जो आयु है लोगों की होती है महिला सशक्तिकरण के लिए या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किए जा रहे हैं। गरीबों के व सीमांत लोगों के लिए भी कल्याणकारी जो स्कीम्स है वो चलाई जाती है। सो थैंक यू गाइज, इस जो आर्टिकल है आप यूज़ उसको कर सकते हैं अगर कोविड-19 से फाइट करने की बात अगर कही जाती है, या ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि कोविड-19 से फाइट करने का जो इंटरेस्टिंग मॉडल है या आइडियल मॉडल है आप किसको ले सकते हैं, तो आप केरला मॉडल को फॉलो कर सकते हैं और इस आर्टिकल की इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उसमें रख सकते हैं। साथ ही केरला का जो लिटरेसी रेट है एंड बर्थ रेट एक्सेट्रा का एग्जाम्पल दे सकते हैं अपने ऐसे राइटिंग में। थैंक यू।